थारी के लेर लाग जाए। दुनिया रोगे मरगी गांव मर जानी तो रोड आठ दरड़ा खोद के बंद कर देनी चाहिए। सच्ची बात आ है कि हमारे एरिया में रिश्ता होने रहेगी बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा पड़ रहा है। तारनगर जावा तो कम से कम एक घंटो सवा घंटो लाग गया। बड़ी भारी परेशानी हो रही है। ये बोल रहे हैं की है कोई जोर में एकदम सफाई हो रही है। एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर 5 साल आ जाए फिर मूर्ख बना के मारे वर्गा ने वोटड़ा ले लिया। बनाने कुछ सड़क बन रही कोनी खाली एक भाषणा भी बन रही है सड़क चढ़ माँ के साथ हो जाए क्यों मचा इतनी कौन मारे गया हो कलाई में सब अभी बाकी है गए। राम राम साहब हूँ मनोज और थे देख रहे हो जलको चूरू चैनल पर नया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लियो ताकि चूरू जिले की आवाज बन सका। फिलहाल चूरू तारानगर और सहवा अकनौर और भादरा दोनों को कनेक्ट करे सड़क मार्ग में पर मैं मौजूद हूँ। इन्हें नेशनल हाईवे का वहाँ स्टेट हाईवे का एक साधारण रोड का वहाँ आए के सवाल ये सवाल क्यों है क्योंकि पीछे एक बार मोदी जी है जिसका चूरू आया तो इन दौरान सड़क को जिक्र हो जितना भी बजट है वह बजट के अंदर सड़क को जिक्र हो रहा है लेकिन आज भी रियल स्थिति आ है कि सड़क है कि पूरी और पूरी डैमेज है। साधन है जिसका रफ्तार भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है वो ऊपर कोई भी साधन है वो कोनी है वो 40 का है। ये एम्बुलेंस गई है तो शायद यही स्थिति है वह आई नजर आओगी। दूसरी में बात कर रहे हो कि कई साधन है जिका ये एम कम स्पीड है और इतनी ज्यादा डैमेज आ सड़क है जिसकी हरियाणा राज्य ने भी जोड़े लेकिन फिर भी ये सड़क की हालत है वह खस्ता है। फिलहाल मैं भनीन गाँव के अंदर मौजूद हूँ जैसे कुछ ग्रामीणों बातचीत करके इस सड़क के बारे में देखा और कितनी ज्यादा परेशान है जी ग्रामीण क्षेत्र के लोग ना सड़क कर रही है। अरे भारी परेशानी हो रही है सड़क की कोई गोल ही कोनी हो रही है। कम से कम तारनगर जावा तो कम से कम एक घंटो सवा घंटो लाग गया। दूरी कितनी है 16 किलोमीटर है 15 मिनट को रस्तो है सवा घंटो टाइम लाग गया। सवा जावा तो और डेढ़ पुन दो घंटो लागे आवे या डिपा पोछी करके खड्डा का थोड़ा बहुत गिर जा कंकर बाद में पेमेंट उठा गए वो पार जा। हर बजट में ही शायद चर्चा हो जाए। हर बजट में कोई हर साल 3 बार वो चर्चा है इन चर्चा ही फैल हो रही। और परेशानी कितनी हो जी अंदर परेशान दे लो को साधना रो 1000 रुपए 1500 दे ना जाने ला रहे पैसा। ये जिला स्तर ने भी जोड़ा है हरियाणा स्टेट ने भी जोड़ रही है सारा जोड़ रही है लेकिन ये कोई समाधान ही कोनी होने लाग रियो। दो तीन साल परेशान हो रहा पूरा जी 15-20 मिनट रस्ते बढ़ाए 1 घंटा लग रहा है साधना ही खाट खड़ी होने लग रही है ज्यादा और क्या बताऊं। दो तीन साल पहले मैंने ही गया कारी कुटका लगा जाए बस वो एक बार टाइम पास हो जाए और तो इसी देखी है लगभग 84 उम्र होगी 84 आज या ये भी कंडीशन खराब है ना इसी कंडीशन कदी खराब हो जाए तो दिमाग खराब है। टंगी भी कदी 70 साल 80 साल मणि के आ तो इसी बनी तो एक सरकार ने भी शायद दोस्त दे दो काम होगा उनकी बड़ी सरकार आ गई 70 साल बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा पड़ रहा है ठीक है। दूसरी बात पेशेंट वगैरह और ज्यादा नहीं बम बहुत बड़ी परेशानी है गड्ढा पड़ रहा है साधना की परेशानी है और इन बताऊँ एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और गंगानगर हनुमानगढ़ सिरसा लंबर जयपुर वगैरह और ज्यादा बहुत बड़ी परेशानी हो है नहीं गौर है 2-3 बार ये बनाएगी कल बनाएगी और बनाएगी कोई गौर नहीं हो रही है न कोई हमारे मीडिया ने बगा पहुंचा है तो तू दलगन बहुत बड़ा धन्यवाद देवा कि आयो आवाज उठाओ आ अगर पांता ही पहुंचा है तो बहुत बड़ी बात है थरा भी थे भी धन्यवाद है पत्र चूरू लिखेगा और बहुत बड़ी समस्या है जनता के लिए परेशानी है पेशेंट वगैरह लेके भेजा तो 1.5 घंटा 1.25 घंटा लगे तो वो बीच में दम भी दौड़ सके और आ सारी जिम्मेवारी चाहे स्टेट गवर्नमेंट ले या सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन बड़ा कौन लग रहा 15-20 साल कोई डरवाएंगे कोई सुनवाई को नहीं है न कोई आवे चुनावी मुद्दा इन चुनाव मुद्दों बना रखे रोड बना देंगे वो कर देंगे बढ़ानी है कोनी फिर 5 साल आ जाए फिर मूर्ख बना के मारे वर्गा ने वोटड़ा ले लिया बनाने कुछ है। थारो बहुत बहुत धन्यवाद है। एक थे सवाल बुझो माई इतने कभी इन हरियाणा जुड़े है नोर जुड़े है गंगानगर जुड़े है सच्ची बात आ है कि हमारे एरिया में रिश्ता होने रह गया रिश्ता होने वह खतर रह गया कह रोड को नहीं। दूसरी बात रिश्तेदार चल गया वे बैगी जे गाड़ी पेंचर हो जानी वो रिश्तेदार नहीं गाल काटे राज ने गाल काट जो फोन लिया ए दाता राम जी करने बैठे आप गाँव में चल गए हो 1 घंटा लग गया पूरी झारसर बड्डे कराए मोटरसाइकिल पेंचर हो गए टूप कर लिए 350 रुपये बैंक और जानो कौन दिया वो भी आप तो वोट दे के भूल जावा आए साल का बड़ा बड़ा लेटर जारी करे बैचे चूरू जिले का MP हुए चाहे तारनगर तहसील का विधायक हुए बड़ा बड़ा लेटर जारी करे यहाँ लागे जाने ओ जी को हाईवे नहीं है बरगो हाईवे देश में कटे को नहीं आई बात है कि ए बरगो हाईवे देश में कटे को नहीं जनता एकदम त्रस्त है जनता ने इतना गुमराह करे जाए कि जिके कोई सीमा को नहीं। अब छोटो सा उदाहरण देंगे एक टापर को जो पेपर 2 बजे तारानगर है नहीं तो मैंने 11 बजे गाँव चलना पड़े क्यों बहन नहीं फिर अगर मुझे मोटरसाइकिल लेके जाऊंगा तो वो पंचर हो सके गाड़ी लेके जाऊंगा तो गाड़ी पंचर हो सके
बच्चिया में तीन जान का फोटा पड़े है विधायक एमपी जे पानी मांगे तो बे आ सीधी आ गए बोले मैके जइये थोड़ी आ मैके कोई सड़क मंत्री थोड़ी आ तो फिर थे गया क्या खतरा पार्लियामेंट विधानसभा मारो तो एक ही सवाल है कि जनता ने जीन खातर स्वास्थ्य रोड शिक्षा बे चाहिए बे तीनों आधारभूत की चीजा है बे नहीं मिल रही है तो फिर जनता ने मिल रही होगी सर सरके अगर मोखान हो जाए नी तो बनीन का लोग पैदल जा गया गाड़ी लेके कौन जा अगर बनीन में कोई मोखान होगी ब्याह शादी है तो झारसर का लोग बोले पैदल ही ठीक रहा पैदल जाइया पैदल आ जावा सड़क ना हो तो देख लियो ते लोग पैदल चलन लाए तो कोई कम है कह गई हार्ट की दिक्कत होगी मैंने जे तारनगर का नहीं लेके जावा नहीं आई सूचना आओ बोले बड़ा होकर पुग्या इतने पूरा हो गया तो पछा है सड़क बन रही कोनी खाली एक भाषण भी बन रही है सड़क बीजेपी आवे तो भाषण में सड़क बन जाए कांग्रेस आवे तो भाषण में सड़क बन जाए अब खाली आ मीडिया पर करा आखी उछाड़ा है और आँख पर्दा खुले की तो मारो जीवन हुआ है लंबो सफर है वो सावा से वो भाड़ू हो गए साधन जान ला गया रोड जाने वाले को रही थी और बनीन से पंडरे हो गए किसाड़ी हो गए साधन जान ला गया रोड बिल्कुल गड्ढा हो रहा है मरीज ले गए राम दम तोड़ दे कोई विश्वास नहीं है और अगर जो बच्चा पेपर देने जा तो मैंने पहले दिन भीड़ होना पड़ेगा रोड को विश्वास सड़क ठीक है लाडी सड़क कोई मर जाए ऊंट गाडा मर जा पड़ गए अट क्या सड़क है क्या लेना देना है बेटा लिंगा जी बत्र के चुनाव में बेटा चाहिए कितना ले लियो क्यों ले लियो बोले वागनो अब वहाँ इतनी गर्द और बाले को नहीं माना आज कौन लगा आपको स्वास्थ्य है वहाँ दुनिया रोग मर गई गांव मर गया नहीं तो रोड आठ दरड़ा खोद के बंद कर देनी चाहिए दरड़ खोद खोद के कहते गाड़ी आ ही नहीं सके और क्या स्वास्थ्य है अब थानक भेज दियो चलो 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 दो रुपया इलेन मिल जाए इलेन में बाड़ेंगे माने आग लगाओगे माने टाइम पर चाहिए जब कहीं के है बोलो बोलो दो बेटा तेरा है नौ बेटा मेरा है के करना है बोलो क्या कर रहे हैं वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे पानी लगा देंगे थारा नहर ला देंगे यूं कर जाएंगे सड़क ऐसे बना देंगे वैसे बना देंगे बाड़े तो आते को नहीं माने आगे दर्शन को नहीं करे मारो देखेंगे नहीं माने कूड़ा तो यहाँ मतलब गाँव वाला मुद्दा उठाओ सड़क गाँव मिल रहे हैं ऐसे गाँव नहीं मिल रहे हैं कोई की को नहीं कर सके गाँव नहीं कोई कर सके गाँव मुद्दे उठाए तो आठ बड़ी कह जा गाँव में बड़ी जात मुड़िए याद ही कौन रखे गाँव में बड़ी जात बाकी नहीं कौन है मैं भाज के जाऊँ ओहो साहब भाज के हो ओहो साफ घना ही साफ फलन ओहो साफ थारी के चट लग जाए तो कोई हाल है के रोड को दुनिया मर्गी के कट्ठे कर फिर जावे साधन कोई चूड़ी लिया सायो तो कोई काटे अन्न को नहीं करे तारनगर सायो चूड़ी पराली डांगरी बेच लिया तो काटे अन्न को नहीं करे कोई ना भाई हजार को किराए तो 3000 लूंगो ए हालत है बेटा अब कहीं टूल लगाऊंगा पूछड़ करेंगे और फोर लाइन बनेगी पूछ लाइन बनेगी के बनेगी कद बनेगी मैं कहो 4 साल ही मजा करूँगा वोट आऊंगा जो तो एक फिर बयानों कर देवो जो तो कह देखो क्या बस अभी आते हैं अभी बनाते हैं अभी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं फिर कोई रिश्तेदार कार ले गए बोले आवा के मर गए किन कर जावा जानता मैं किन कर जावा राजगढ़ाली रोड स्कूल है गए अब बेरो को नहीं राजगढ़ाली गए को नहीं बोले साहेब बालेरिन स्कूल है गए कुछ ही घोटड़े गया भाई मन तो कौन लागी सूल दरड़ा ही पड़िया इनको मन तो कौन लागी बनी ए हाल तो हरी कार ले गया जो बोले आठ हम मारे गया मैं तो तार नगर हूँ सो बनी बिचारा मां के साए तानी और दे क्यों मचा इतनी कौन मारे गया कलाई में सब अभी बाकी है क्या ठीक है बता थारा वीडियो बन के नीनगांव में कवरेज के दौरान एडो अनुज मिले तो अनुज बता रही है कि चैनल देख रहे बढ़िया लग रही है उम्मीद करा जल्द पर कार्रवाई करे जावे आ लोग की उम्मीद है वहां पर खरे उतरे जावे बाकी जल्द नए वीडियो के साथ मिला देखता रहियो झुलको चूरू जय राजस्थान जय हिंद।